वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तारिक अफगानी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों आज हम आगरा ताज बाबू होटल, ये बड़ा मशहूर एरिया है, आप देख सकते हैं ये मेरे बैक साइड पे। तकरीबन इस रोड को जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ से स्कूल जाता था, तब से आज तक ये लियारी का ये एरिया कदीमी एरिया है, अभी तक ये नहीं बना। हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल को सिर्फ ये दिखाना है कि लियारी के लोगों के हाथ में कौन सा गन है और लियारी के लोगों के लियारी के बच्चे क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारे न्यूज़ चैनलों को और हमारे मीडिया को ये नज़र नहीं आता कि लियारी में लोग कितने परेशान हैं। यहाँ पे सेवरेज का बड़ा मसला है और यहाँ पे लोग बड़े मुतासिर हैं, और ये पानी का आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पर, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे एक अजीब सा माहौल है। इस रोड को तकरीबन 20 से 30 साल हो गए, लास्ट टाइम बना था, उसके बाद इस रोड को ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई, ना किसी भी पार्टी ने इस रोड को, किसी भी पार्टी ने आज तक यहाँ विजिट तक भी नहीं की कि इस रोड को बनाए। और ये रोड में एक और दहशतगर्दी है लोगों की कि रश्के वालों ने अपने रश्के पार्किंग किए हुए हैं और फ्रूट्स वाले बार हैं। आप देख सकते हैं ये सारा नाजायज़ है, ये फुटपाथ पे बनाए गए हैं। तो मैं आप सब अपने आला मुकाम और वज़ीर आला मुराद अली शाह से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए इस रोड का थोड़ा सा ख्याल करें और मीडिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब तकरीबन अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वक्त से ये रोड ऐसे ही है, यानी कि कोई तरक्की। हम बचपन से सुना है कि ये लियारी है और यहाँ पर हमने गोलियाँ भी चलती हुई देखी हैं, लेकिन ये तरक्की, इतनी हकूमतें आई हैं, कोई तरक्की तो हो। और क्या पेरिस बनाएंगे, ये भी कहा था। और कहते हैं कि हम पेरिस बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, क्या तरक्की है, ये कोई तरक्की है ना? हमें साफ रोड फराम किया गया, ना पानी फराम किया गया, ये कैसी हुकूमत है? मैं अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस पर थोड़ा नज़रसानी करें और जो है अपनी हुकूमत का हक अदा करें। यह आपकी ज़िम्मेदारी है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि शायद ये मेरा प्रोग्राम नशर हो और ये मेरी बात आप तक पहुँच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ये लियारी का सेवरेज का मसला इतना है, पानी का मसला है, इतनी आवाम परेशान है, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है कि ये करो वो करो, ये करो वो करो, हम सब करने के लिए तैयार हैं, मगर कम से कम सेवरेज का मसला हल कर दें। गलियों में बच्चे मर रहे हैं, इतनी जरासीम फैल रही है उसके अंदर, कोई बोलने वाला नहीं है। कोई जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं भाई हमारा काम नहीं है, नाजम के पास जाओ वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं है, तो फिर ये किसका काम है भाई, कौन करेगा? यहाँ पर करने वाला चाहिए, अगर इनको जो भी खाता मिलता है ऊपर से जो भी है, तो आपका काम है, आपका आप काम करो। आप रोडों की हालत देख लें, आपके सामने ये कितनी धूल उड़ रही है, ये भी जरासीम है, आदमी क्या करेगा? एक डेढ़ साल हो गया हम लोग चिल्ला रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये अभी आपके सामने ये देख लें कितना मसला है, ये देखें बहुत बड़ा मसला है, ये है ना बड़ा मसला। गलियों में आप चले जाएँ, गलियों के अंदर भाई, वज़ीर आला से आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप जो है ना हमारे यहाँ ध्यान दे। लियारी के अंदर हम लोग बहुत परेशान हैं, पानी के लिए, सेवरेज के लिए, पीने का पानी नहीं है, उसमें गटरों का पानी आ रहा है, गटरों का पानी आ रहा है। चाहूँगा कि ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है ये 10-12 साल से भी ज़्यादा है। मैं खुद यहाँ का लियारी का नेशनल प्लेयर हूँ, बॉक्सर हूँ, शेरियार कच्छी नाम है मेरा। मैं यहाँ से 12 साल से रहता हूँ, 15 साल हो गए, पानी इसी तरह भर रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ भी पानी आ रहा है, वहाँ भी पानी आ रहा है, कुछ लोगों के पास इतना पानी आ रहा है। अगर यही पानी पूरी लियारी में अगर डिस्ट्रीब्यूट, पूरा आगरा ताज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ना, तो इंशाल्लाह इतना सबको मिलेगा कि पानी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहाँ की, यहाँ बिल्डिंग्स इतनी बन गई हैं, सेवरेज प्रॉब्लम इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पे बिल्डर्स जो है सारी बिल्डिंगें बनाते हैं और चले जाते हैं, ये नहीं देखते कि सेवरेज प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक घर के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर है ना 10 से 12 लाइनें जा रही हैं पानी की, और उनके पास ही पानी नहीं आ रहा, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ भी 10-12 लाइनें और किसी बिल्डिंग में भी लगी, सबकी अपनी अपनी लाइनें लगी हुई हैं और सब पानी खींचने में लगे हैं, जिसको पानी किसी को भी नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है, बिल्डिंगों में पानी जो जा रहा है ना, ये सारे बिल्डरों की वजह से जा रहे हैं। तो आप एहतजाज नहीं करते, मतलब जाते नहीं हैं? एहतजाज करने के लिए टाइम होना चाहिए, हम मजदूर हैं। हाँ बिल्कुल, हम सारा दिन मजदूरी भी करें, उसके बाद रात को हैं 2 गैलन पानी के लिए यहाँ पे 10 घंटे खड़े रहते हैं। ओहो, ठीक है, तकरीबन जब बारी आती है ना
तो ये भाई साहब बोलते हैं कि भैया पानी का टाइम हमने खत्म, यार ये भी इनकी भी गलती नहीं है, कब तक देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनके भी बिजली होती है, इनके भी पानी जा रहे हैं, उनका बड़ा एहसान है कि हमें पानी दे रहे हैं। अगर यही पानी अगर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो अच्छी तरह से मिल सकता है। और आपको मैं दूसरी बात बताऊँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मसला किया बिल्डरों ने किया है, जो बिल्डिंगें बना के गायब हो जाते हैं उसके बाद पूछते भी नहीं है कि किसको क्या हो रहा है। ये पानी जो मिल रहा है ना, अगर ये सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ना, और जिसके बिल्डिंगों में ज़्यादा लाइनें डली हुई हैं ना वो निकाली जाए। अच्छा, अब एक घर के अंदर दो दो लाइनें जा रही हैं, तीन तीन लाइनें जा रही हैं, यहाँ पे बैठे हुए हम जो निजी घर के जो छोटे से घर हैं, जो मजदूर हैं, काम भी कर रहे हैं, अब अपनी स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को भी नहीं छोड़ रहे, पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन अब ऐसी हालत में हम क्या करें? अच्छा दोस्तों, तो हमारे साथ UC5 के चेयरमैन हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं कि ये रोड क्यों नहीं बन रहा और किस वजह से नहीं बन रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो अग्रताज वाला रोड है, ये तकरीबन मैं बचपन से यहाँ स्कूल आता जाता था, तब से ये रोड नहीं बन रहा, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, ये हमारे मैं मोहम्मद हुसैन चानिया आल कच्ची सुप्रीम काउंसिल का मेंबर और चेयरमैन UC5 लियारी खड्डा मार्केट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तो बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये पीछे वाला हमारा रोड बना है यहाँ यासिन शाह साईं के, ये पीछे जो घोसिया रोड वगैरह है ये बना है, इस रोड के लिए कहा गया है। तो यासिन शाह साहब ने भी मलक फयाज साहब को कहा है, इन्होंने दो चार गलियाँ भी बनाई हैं यहाँ के वाइस चेयरमैन के मुताबिक और चेयरमैन के, तो इंशाल्लाह ताला वो भी यासिन शाह साहब को कहा है कि हम ये रोड भी बनाएंगे। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये कि यहाँ पे रक्षे वालों का बड़ा दहशतगर्दी है, रक्षे वालों से अगर बात करो तो वो बड़े बेहतरीन तरीके से और बड़े जो है ना तहजीब से जवाब देते हैं, चूँकि आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो उनके बारे में क्या राय है? जो रक्षा माफिया, जो रेडी माफिया, जो बार रोड, एक तो आपके पास रोड एक कम्प्लीट रोड नहीं है, इतने सारे जमात होने के बावजूद भी आप सब एक कम्प्लीट रोड नहीं बना सकते, उसके अलावा रक्षे वालों को कोई बोलने वाला नहीं है, कुल्ली बदमाशी चल रही है, तो इसके बारे में आपके क्या राय? और जो टिक्के और बोटी वाले, उन्होंने अपने जो है ना बड़े बड़े जो मशीनें बाहर निकाली हुई, तो इसके बारे में भी आप मतलब ये मलिक प्यास साहब और ये अपना गोरी साहब ये क्या मसरूफ़ हैं, ये क्या देख नहीं सकते हैं, या उनका गुजर नहीं होता यहाँ से? माशाल्लाह, बहुत अच्छा और प्यारा उम्दा सवाल आपने किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। इसके ऊपर मैं ख़ुद भी बोलने वाला था लेकिन आपने ये सवाल करके शुरू कर दिया। तो मेरी सिंध हुकूमत से, कमिश्नर कराची से, DC से, AC से मेरी गुजारिश है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो शाह अब्दुलती बिटाई रोड है, आप देखें यहाँ पर कोस्टरें, पिकअप गाड़ियाँ, रिश्के, सुजुकियाँ रोड के ऊपर खड़ी हुई है। हम इतना के थक गए हैं कि यार ये रोड, एक तो देखे इतना रश होता है, लेडीज़ के चलने के लिए जगह नहीं होती है, और ये इंक्रोचमेंट ये इतनी बढ़ गई है कि स्कूलों के आगे जो है वो ठिए वाले खड़े हुए हैं, उसके आगे रिश्के वाले खड़े हुए हैं। पर आप यकीन करें कि आगरा ताज में ये बाबू की होटल मशहूर है, यहाँ से लेके हनी मंजिल तक ये आप देखेंगे बीच में गाड़ियाँ, कोई कहने वाला ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। किसी भी रियासत का काम होता है एजुकेशन, हेल्थ और ये बहुत सारी चीज़ें, गलियाँ बनाना, अच्छे रोड बनाना, ये रियासत का काम होता है। महात्मा गांधी अपनी किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखता है। महात्मा गांधी कहता है, अगर किसी कौम की इंसानियत जाननी हो तो देखो जानवरों से किस तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जानवर क्या इंसानों से भी ट्रीट किया नहीं जाता। ये लियारी का कदीमी इलाका है, ये लियारी के कदीमी लोग हैं, ये लियारी का आस्ताना है, यहाँ पे ये जो लोग रह रहे हैं, ये लियारी जब कंप्लीट नहीं था यहाँ से डिपेंड्स नज़र आती थी, ये तब के लोग हैं, लेकिन आज इनको आखिरी नंबर पे भी किया गया और इनके यूसीज भी चेंज किए गए, ये किसने किए, क्यों किए, अब बोलना होगा, अब तो कुछ करना होगा। अपने दोस्त आर्य सास्कानी को इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।